नमस्कार, इन फिल्म्स टू बॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड के सिंगम कहे जाने वाले अजय देवगन को तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में अजय देवगन का एक अलग ही स्टारडम है, उनके नाम की एक अलग ही मिसाल है बॉलीवुड में। बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब से फिल्म तानाजी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है, तब से बॉलीवुड में काफी सुर्खियों में बने रहते हैं अजय देवगन। जबकि अजय देवगन इससे पहले बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके हैं और बहुत सारी फिल्में, एक्शन फिल्में, लव स्टोरी फिल्में, हर तरह की फिल्में दे चुके हैं और इनकी बहुत सारी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन के जिंदगी से, अजय देवगन के लाइफ से जुड़ी ऐसे कुछ अनसुनी बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अजय देवगन के नाम के बारे में। बताना चाहूंगा दोस्तों कि अजय देवगन का जो नाम आज अजय देवगन है, पहले उनका नाम विशाल देवगन था। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन का असली नाम विशाल देवगन है। बचपन से ही अजय देवगन के माता पिता उन्हें विशाल करके पुकारते थे और विशाल के नाम से जानते थे, लेकिन आज हम अजय देवगन को अजय देवगन के ही नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि विशाल देवगन का यानी कि अजय देवगन का नाम विशाल देवगन से क्यों चेंज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1991 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था फूल और कांटे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। फिल्म का नाम तो आप सबने सुना होगा, फूल और कांटे 1991 में रिलीज की गई थी। दोस्तों, फिल्म जब रिलीज की गई थी तो फिल्म को फैंस द्वारा बेहद पसंद किया गया और आज भी फिल्म को बेहद पसंद किया जाता है। बताना चाहूंगा दोस्तों कि फिल्म फूल और कांटे से अजय देवगन बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार बन गए। जबकि बात की जाए स्टार कास्ट के बारे में, यानी कि अजय देवगन तो लीड रोल में नजर आए थे, उनके अपोजिट लीड रोल में मधु नजर आई थी। जी हाँ दोस्तों, जो कि पूजा का किरदार निभाई थी। दोस्तों, साथ ही साथ इस फिल्म में अमरीश पुरी भी नजर आए थे, जो कि अजय देवगन के पिता का किरदार निभाए थे। दोस्तों, अजय देवगन के साथ साथ अमरीश पुरी के किरदार को भी बेहद पसंद किया गया था। तो दोस्तों, बात की जाए फाइनली फिल्म के बारे में, तो फाइनली फिल्म में एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे। दोस्तों, अजय देवगन का ऐसा ऐसा सीन है जो फूल और कांटे में फिल्माया गया है, जो कि आज भी उस सीन को बेहद पसंद किया जाता है। फाइनली फिल्म एक लव स्टोरी फिल्म थी, एक्शन सीन्स भी बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे। दोस्तों, बात की जाए गाने के बारे में, तो एक से बढ़कर एक गाने फिल्माए गए थे, जो कि आज भी गाने को बेहद पसंद किया जाता है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस फिल्म की वजह से, यानी कि फूल और कांटे फिल्म की वजह से, अजय देवगन का नाम विशाल देवगन से अजय देवगन हो गया, क्योंकि अजय देवगन जो फिल्म में नजर आए थे उनका नाम था अजय। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में अजय देवगन जो नजर आए थे उनका नाम था अजय और उनके अपोजिट जो अभिनेत्री यानी कि मधु लीड रोल में नजर आई थी उनका नाम था पूजा। अजय और पूजा की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया फैंस द्वारा और आज भी उसी नाम से, यानी कि अजय और पूजा के नाम से भी इस फिल्म को बेहद पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, इस वजह से विशाल देवगन से अजय देवगन इनका नाम हो गया और आज हम बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले यानी कि अजय देवगन के नाम से ही हम जानते हैं। जबकि बात की जाए अजय देवगन के फिल्मी कैरियर के बारे में, यानी कि इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर कब शुरू किया था, इसके बारे में दोस्तों चर्चा अगर की जाए तो साल 1985 में इन्होंने पहली फिल्म में कदम रखा था। बताना चाहूंगा दोस्तों कि 1985 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम है प्यारी बहना। जी हाँ दोस्तों, प्यारी बहना फिल्म का टाइटल है और फिल्म में और लीड रोल में जो स्टार नजर आए हैं वो है अपने बॉलीवुड के दादा कहे जाने वाले यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में नजर आए थे और फिल्म की स्टोरी एक पारिवारिक फिल्म थी। और फिल्म के बारे में बात की जाए तो फिल्म में अजय देवगन का जो किरदार था वो एक छोटे बच्चे का किरदार था। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे बच्चे का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे पहली बार, जो कि इन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि फिल्मी कैरियर में जो इन्होंने कदम रखा एक्टिंग के क्षेत्र में, तो पहली बार इन्होंने 1985 में आई फिल्म प्यारी बहना में कदम रखा था। जबकि फिल्म प्यारी बहना को आज भी बेहद पसंद किया जाता है, क्योंकि एक पारिवारिक फिल्म होने के नाते मिथुन चक्रवर्ती भी काफी सुर्खियों में रहे। जबकि बात करें अजय देवगन के बारे में, तो अजय देवगन उस वक्त उतने नामी नहीं हुए थे, उतना उनका नाम नहीं हुआ था फिल्म से, क्योंकि एक बच्चे का किरदार निभाए थे। लेकिन आपको बता दें कि अजय देवगन के फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1985 में आई फिल्म प्यारी बहना से ही हुई थी। जबकि दोस्तों, बात की जाए फिल्म पहली फिल्म के बारे में, यानी कि अजय देवगन की पहली फिल्म कौन सी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और बहुत से लोग यही जानते हैं कि अजय देवगन की जो पहली फिल्म है वो है फूल और कांटे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि उससे पहले अजय देवगन ने फिल्म प्यारी बहना में काम किया था। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अजय देवगन की जो शुरुआत, तो उनके जीवन की जो पहली फिल्म है वो है प्यारी बहना। जबकि बात की जाए फिल्म फूल और कांटे के बारे में, तो फूल और कांटे से फिल्मी कैरियर की जो उनकी रफ्तार थी अजय देवगन की, वो
रफ्तार पकड़ी थी अजय देवगन ने। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अजय देवगन की जब फिल्म आई थी फूल और कांटे, तो इस फिल्म की वजह से बॉलीवुड में काफी पॉपुलर हुए और काफी प्रसिद्ध हुए और बहुत ही ज्यादा इनका नाम हुआ अजय देवगन का, जिसकी वजह से फूल और कांटे को लोग समझते हैं कि इनकी पहली फिल्म है। लेकिन अजय देवगन ने बॉलीवुड में फूल और कांटे से अपने नाम की एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम की है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास खबरें जो कि अजय देवगन की जिंदगी से जुड़ी थी, कुछ खास बातें जो कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। अगर आप अजय देवगन के फैन हैं, अगर उनको चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें अगर कुछ कहना चाहते हैं अजय देवगन के बारे में, उनके लाइफ से जुड़ी कुछ भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर, और अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फोसिस्टिव बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।